हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर कबाब। आलू टमाटर कबाब बनाने की, क्योंकि आज तो जन्माष्टमी है ना, तो इसलिए मैं स्पेशल मसाले से आलू कबाब बना रही हूँ, आलू टमाटर कबाब। इसके लिए मैंने देखिए 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं, ये इस तरह से 4 आलू लिए हैं मैंने। अब इसे मैं ये कद्दूकस करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से इसको मैं कद्दूकस करूँगी। ये बड़े वाले वो हैं, बड़े वाले होल से मैं इसको कद्दूकस करूँगी, चारों आलू को। से मैं चारों आलू को कद्दूकस करके फिर मैं आऊंगी। ये देखिए, ये मेरा मैंने 4 आलू को इस कद्दूकस करके रखा, हाँ। ये अब इसमें पानी मिलाऊंगी। अब इसको मैंने, ये देखिए, ये मैंने चलनी लिया है, इसको ऊपर एक कपड़ा रख दिया है और एक बाउल लिया है, उस पर मैंने इसको छानना है। ये बाउल लिया है, उस पर मैं धीरे धीरे छान लूँ। इसको मैं हटा दूंगी। मैं दूसरा बनाऊंगी। अब ये मेरा, ये आलू मेरा बन गया। ये मेरा आलू, अब इसमें मैं मसाला मिलाऊंगी। ये जीरा दे रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून दिया मैंने जीरा। क्रश किया हुआ काली मिर्च, ये भी 1/2 चम्मच करीब। ये सौंफ पाउडर मैंने बना के रखा है घर में, ये सौंफ पाउडर मैंने, वो भी 1/2 चम्मच। अब मुझे मिर्च पाउडर देना है,
हाफ चम्मच, हाफ चम्मच नहीं एक चम्मच, ये अमचूर पाउडर है, ये मेरे पास ख़त्म है, ये इतना था मैंने दे दे रही हूँ, ये हाफ चम्मच करीब था, ये मैंने सब दे दे रही हूँ। अब मुझे चाट मसाला देना है, वो भी हाफ चम्मच, ये देखिए हाफ चम्मच धनिया पाउडर, ये हाफ चम्मच नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक दे दीजिए, और ये मेरा हरी मिर्च काट के रखी है, अदरक कूट के रखा है, ये दे देना है, और ये कोरिएंडर लीव, बस ये हाफ कप मैदा, हाफ कप मैदा, ये अच्छी तरह से सान लेना है, पानी नहीं देना है, अब मैं तेल बैठाऊंगी, तेल गरम बैठाऊंगी, गैस जलाऊंगी मैं, मेरा हो गया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए तेल गरम करके, ये देखिए इस तरह से मुझे बना लेना है और इसको छोड़ देना है। ये मैं गैस मैंने धीमा कर लिया है, খোলা আছে কি একটু পরে আসছি।
इस तरह से बनेगा। इस तरह से पूरा बना के फिर मैं आऊँगी। इस तरह से पूरा मैं बना के फिर आपके पास आऊँगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैं इसे निकालूंगी। ये इस तरह से बनेगा। फिर आप इसको पुदीना की धनिया पत्ता की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। थोड़ा पक जाए उसके बाद फिर मैं आऊँगी। ये देखिए ये टमाटर आलू कबाब, ये धनिया पत्ता पुदीना पत्ता की चटनी के संग आप लीजिए। ये शाम का टी के संग चाय के संग नाश्ता। ओके, टमाटर आलू कबाब। ओके, अगली रेसिपी फिर मिलूँगी। धन्यवाद। आप बनाइए, घर में ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा हुआ, तब मैं खुश होंगी। बहुत खुश होती हूँ आप लोग जब कमेंट भेजते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपके लिए बहुत ही आभारी हूँ कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं। ओके, धन्यवाद। अगली रेसिपी में फिर मिलूँगी।